चार साल हुए हैं, तो आपके विभाग ने क्या क्या उपलब्धि दी है? चार साल बेमिसाल, वर्षों से जो होना पाया चार वर्ष में कर दिखाया। आज पूरे प्रदेश में 403 विधानसभा में इसी तरह से पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल को जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बटन दबा करके शिलान्यास किया है और भव्यता का रूप देने का काम किया जा रहा है, इस बात की पुष्टि करता है कि बिना किसी भेदभाव के हम सबके लिए काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रदेश, चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे विकास के और बहुत सारे कार्य, हर घर जल, हर घर नल, इस तरह से घर गरीबों को आवास देने की बात हो, सब में उत्तर प्रदेश अव्वल है। तो आज सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई दे रहा है। उड़ान विभाग ने क्या किया, क्या खास हुआ है? नागरिक उड्डयन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी शीर्ष नेतृत्व ने हमें ये जिम्मेदारी दी। जिस दिन से इस विभाग की जिम्मेदारी मिली, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देशन में हम काम करते रहे और एक बुलेट पॉइंट बनाए कि उत्तर प्रदेश में कैसे हवाई एक्टिविटी या हवाई जहाज़ या हवाई अड्डे कैसे संचालित हो सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना सब उड़े सब जुड़े, उड़े देश का हर नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ की यात्रा करे, इसको धरातल पर उतारने का काम किया। और आज देश में मुझे बताते हुए ये गर्व हो रहा है कि नंबर वन है उत्तर प्रदेश। देश में उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के हर मंडल मुख्यालय को प्रदेश की राजधानी और देश के और बड़े शहरों से जोड़ने का काम किया। प्रयागराज का हवाई अड्डा जीती जागती मिसाल है इस बात की। आज हम बरेली में एयरपोर्ट चालू कर चुके हैं, अलीगढ़ में हमारा एयरपोर्ट लगभग 90-95% बन चुका है, मुरादाबाद में बन चुका है, आजमगढ़ में बन चुका है, सोनभद्र में तेज़ी से बन रहा है, चित्रकूट में बन रहा है। आज जब हम सरकार में आए थे केवल 4 एयरपोर्ट थे, आज 8 एयरपोर्ट संचालित हैं, अभी बहुत सारे एयरपोर्ट पर कार्य चल रहा है। जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम बनाने जा रहे हैं, पूरी दुनिया का 100 सबसे बड़े प्रोजेक्ट में जेवर एयरपोर्ट का नाम है। जिस तरह से पारदर्शिता से ये कार्य हो रहे हैं, ये सब कुछ संभव हो पाया है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, पिछली सरकारों में जहां लूट खसोट का अड्डा हुआ करता था, सपा बसपा और कांग्रेस की सरकारों में भाई भतीजावाद और परिवारवाद चलता था। सपा में जब नौकरी आती थी तो कहते थे जो यादव हैं वो 10 लाख रुपये देंगे, गैर यादव 15 लाख और 20 लाख देंगे। इसी तरह से दलित में, बसपा में जब दलित समाज के बेटों की बेटियों की नौकरी लगती थी, उसमें 7 लाख 8 लाख और अदर 15 लाख और 20 लाख की डिमांड किया करते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में लाखों लोगों को नौकरियां लगी है और उसमें हमारे दलित की बेटी बहन भाई, हमारे मुस्लिम समाज के भी बेटे बहन भाई, हमारे हर समाज के सभी जाति धर्म मजहब के बच्चों की नौकरियाँ लगी है और किसी का एक पैसा नहीं लगा है। इसको कहते हैं ना गुंडा राज, ना भ्रष्टाचार, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य।